और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हाल ही में यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के अंतर्गत कुल मिला के 45 पदों पर एक विज्ञापन जारी किया था और इस विज्ञापन पर आपने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि आरक्षण का यह हनन है और फिलहाल इसके बाद एक कैंसिलेशन नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा और इसमें यह सूचित किया गया है कि जो लेटरल एंट्री के अंतर्गत 45 पदों को भरा जाना था तो अब ये भर्ती नहीं होगी और इस भर्ती में अब जो आरक्षण के नियम हैं उनके तहत एक विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंसिलेशन नोटिस यहाँ पर जारी कर दी गई है। इसमें ये लिखा गया है कि जो 45 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था वेरियस न्यूज़पेपर्स एंड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन ऑन 17th of August 2024 इज़ कैंसिल्ड एज रिक्वेस्टेड बाय द रिक्विजिशन अथॉरिटी। तो यहाँ पर सरकार ने खुद अनुरोध किया था कि जो 45 पदों पर लेटरल एंट्री के लिए यूपीएससी ने विज्ञापन जारी किया है उस विज्ञापन को रद्द किया जाए और एक नया विज्ञापन जारी किया जाए और इस विज्ञापन में आरक्षण के नियमों के तहत जो है भर्ती की जाए। तो आज के अखबारों में भी इस पर न्यूज है, सीधी भर्ती में भी लागू होगा आरक्षण, यूपीएससी ने निरस्त किया विज्ञापन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के शीर्ष पदों पर लेटरल एंट्री यानी कि सीधी भर्ती में भी आरक्षण की व्यवस्था जो है वो अब लागू होगी। यूपीएससी ने 45 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन लेटरल एंट्री के जरिए जो जारी किया गया था उसको निरस्त कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार सुबह ही आयोग की अध्यक्ष प्रीति सूदन को पत्र लिखकर विज्ञापन रद्द करने का आग्रह किया था ताकि कमजोर वर्गों को सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने शाम को बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी के जरिए सीधी भर्ती में आरक्षण सिद्धांतों को लागू करके बाबा साहब डॉक्टर बीआर अंबेडकर की ओर से तैयार संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। तो वैष्णव ने कहा कि सामाजिक न्याय को लेकर पीएम मोदी की प्रतिबद्धता के कारण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और सरकार ने सुनिश्चित किया कि नीट, सैनिक स्कूल और अन्य संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण के सिद्धांत लागू हों और डॉक्टर अम्बेडकर के 5 पवित्र स्थलों को उचित दर्जा दिया जाए। फिलहाल यहाँ पर जो सार संक्षेप है वो यही है कि लेटरल एंट्री के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है और अब एक फ्रेश विज्ञापन जारी होगा जिसमें आरक्षण के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। तो इसके बारे में आज न्यूज़ आज के अखबारों में है और इसके बाद बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। विपक्ष ने कहा था कि यह संविधान की ताकत है, कांग्रेस ने दावा किया कि सरकार को विपक्ष के अभियान के कारण अपना कदम पीछे खींचना पड़ा। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान जिंदाबाद और बाकी जो प्रमुख नेता हैं विपक्षी उन्होंने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आगे बढ़ते हैं, देखो सिपाही भर्ती में 20,000 अभ्यर्थी जो है ना वो संदेह के घेरे में हैं और इनको 2.5 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचकर अपना सत्यापन कराना पड़ेगा। एग्जैक्टली इन्होंने जो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया है फॉर्म भरते समय वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे लोगों को कमीशन ने 2.5 घंटे पहले बुलाया है ताकि इनका वेरीफिकेशन किया जा सके। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और डीजी राजू, क्या नाम इनका, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं और डीजी भी हैं राजू कृष्णा, उन्होंने बताया कि सर्वरों को रोकने के लिए अभ्यर्थियों के आधार का सत्यापन कराया गया है। जिनके आधार का दस्तावेजों से मिलान नहीं हुआ है उन्हें 2.5 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र आकर EKYC करानी पड़ेगी। पैन कार्ड, ई आधार, DL, पासपोर्ट में से कोई भी एक दस्तावेज सही पाए जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। तो मतलब ये है कि जिनका जो डेटा है आधार का मैच नहीं हो पा रहा है तो उनको 2.5 घंटे पहले बुलाया गया है और ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि लगभग ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 20,000 के आसपास आ रही है। और देखो आरक्षण मुद्दे पर भारत बंद, आज सपा बसपा का साथ, आज़ाद समाज पार्टी भी भारत बंद में शामिल, आरक्षण मुद्दे पर लोगों को जागरूक करेगी सपा। तो दलित और आदिवासी संगठनों ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है और इस बंद का बसपा, सपा, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आज़ाद समाज पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने भी बंद का आह्वान करते हुए SC ST और OBC के लिए आरक्षण पर संसद द्वारा एक नए कानून को पारित करने की भी मांग की है जिससे संविधान की नवीं सूची में संरक्षित किया जाए। बहुजन समाज पार्टी आरक्षण को लेकर वर्षों बाद सड़कों पर उतरने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने भी आरक्षण मुद्दे पर भारत बंद को समर्थन देने की घोषणा की है। तो आज भारत बंद, आरक्षण मुद्दे पर भारत बंद आज सपा बसपा का साथ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्रेंड्स 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डबल बेंच के आदेश के बाद
उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय यही लिया है कि अब एक नई सूची तैयार की जाएगी आरक्षण नियमावली 1994 के अनुसार, और उसमें जो लोग इन रहेंगे नई सूची में सभी को जॉब दी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन पर भी सरकार विचार कर रही है। लेकिन यहाँ पर नई सूची के लिए बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर मंगलवार को अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदेश भर के युवा एकत्र हुए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों ने शासन से नियुक्ति प्रक्रिया का शेड्यूल जारी करने की मांग की है कि आप जो शेड्यूल है उसको जारी कर दिए कि इस ये जो प्रोसेस है कब से स्टार्ट हो रहा है। धरने में शामिल अभ्यर्थी अमरेंद्र पटेल ने बताया कि शिक्षक भर्ती में बड़े स्तर पर एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया और उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया था। एक लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया है और नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने जाने की बात कही गई है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो एक शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मूल चयन सूची को रद्द करने का आदेश दिया है और सरकार को 3 महीने के अंदर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने को भी कहा है। तो आरक्षण सूची के आधार पर नई सूची के लिए अभ्यर्थी जो है अग्रणी हैं और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार जो है वो एक शेड्यूल जारी कर दे। यूपी बोर्ड में जो बच्चे अभी छूट गए हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में उनके लिए डेट बढ़ सकती है, ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। यूपी बोर्ड ने वर्ष 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने की समय सारणी जारी की थी। तो अभी फ़िलहाल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि नामांकन नहीं करवा पाए हैं या फिर बोर्ड का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो उनको एक मौका अभी मिल सकता है। हालांकि अभी डेट यहाँ पर कन्फर्म नहीं है लेकिन उम्मीद है कि बहुत ही जल्द आपको भी एक नई डेट मिल जाएगी, यानी कि जो डेट एक्सटेंशन है कब तक रहेगा इसके बारे में जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के अखबारों में बस इतनी ही सूचनाएं हैं और बाकी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर की पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो और हमारी जो वेबसाइट है studywithgyanprakash.com एक बार विजिट आप जरूर किया करें क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई जानकारियाँ होती हैं वो तत्काल प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।